नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज, सच और कुछ नहीं। करते हैं आज की खबरों के साथ। सरकारी जोग्राम द्वारा सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रणजीत गौतम के ऊपर किसी कार्य के लिए 93,000 रूपए लेने का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर जोग्राम ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी को देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके चलते ये मामला काफी तुल पकड़ रहा था। इस मामले को लेकर सफाई कर्मचारी रणजीत गौतम ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं। मेरे द्वारा कोई भी पैसा नहीं लिया गया। हमारे ही कुछ लोगों द्वारा चुनाव हार जाने को लेकर मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की गई। चुनाव में हार का बदला लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी जोग्राम का पैसा लेने का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, उन्होंने भी इस आरोप को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि बहकावे में आने से ऐसा किया। वही आरोप लगाने वाले सफाई कर्मचारी जोग्राम ने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, 6 माह से हमने अपना खाता चेक नहीं किया था। जब चेक किया तो पता चला कि कोई पैसा नहीं दिया गया। कुछ लोगों के बहकावे में आकर जिलाध्यक्ष रणजीत गौतम के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की थी, लेकिन मेरे द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, इसलिए एफिडेविट के साथ अपनी शिकायत मैं वापस ले रहा। मेरा नाम रणजीत कुमार गौतम है, मैं सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा सिद्धार्थनगर का जिला अध्यक्ष हूँ। कुछ दिन पहले श्री जगराम सफाई कर्मचारी द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि जिला अध्यक्ष 93,000 रुपया ले लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं था। कुछ हमारे विरोधी लोग थे, जो चुनाव में हारे हुए लोग थे, और उनके सहयोगी लोगों के द्वारा ये खरीद करके हमारे छवि को गिराने के लिए ऐसा काम किया गया है। जगराम ने आज अपना बयान वापस लिया, क्या है प्रॉब्लम? जगराम सफाई कर्मचारी ने अपना बयान वापस लिया, क्योंकि अपना स्टेटमेंट उन्होंने देखा, वो संतुष्ट हो गए, उसमें कोई लेन देन नहीं था। लोगों के द्वारा गुमराह करने पर गुमराह हो गए थे। अब लेकिन हमारी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ हमारे लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, विरोधी लोग हैं, इस तरह से उनका मानसिकता बन गया है कि हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हैं। जगराम से भैया, क्या करते हैं आप? सफाई कर्मी। कहाँ तैनात हैं? कैथोलिया रह रहा। आपने डीएम साहब से शिकायत किया था, क्या था शिकायत? शिकायत यही था कि 93,000 का शिकायत था, किसी को बताने नहीं, और हमारा क्रेडिट खराब था, और उसी में जो है हम बैंक में देखे नहीं कागज, और उसमें जो है हमारा फिर से देखे तो उसमें हमारा एकदम कम्प्लीट खराब था। किसके ऊपर आरोप लगाया था आपने? आरोप लगा था रणजीत कुमार। ये कौन है? सफाई कर्मचारी अध्यक्ष। तो जब आरोप लगाया गया था और आपने इसकी शिकायत की थी, आज किस दबाव में आकर के या किसी के दबाव में आकर ये बयान दे रहे हैं? ऐसा था कि नहीं, किसी के दबाव में नहीं ना। क्या चाहते हैं हम अपना कागज वापस ले रहे हैं।